अभी आपके सामने जनाब ज़ाकिर अहले बैत, जनाब ज़वार हुसैन अरबी साहब बहावलपुर जो बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करेंगे। क़िबला के अंदर नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुले ईमान नाराए हैदरी, याक जुबान नाराए हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, अहले बैत दुश्मना दे लानत, पाक सैयदा दे दुश्मना दे लानत, दुरूद पढ़ो आले मोहम्मद दी ज़ात ते। जिस दिल में शाह उल्फते हैदर खिली नहीं, बिस्मिल्लाह करा तुसा जियो। जिस दिल में शाह उल्फते हैदर खिली नहीं और उसको कभी सुकून की दौलत मिली नहीं, मैदा हमें तो जिंदगी ने यही है दस दिया, क्या उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली नहीं। बिस्मिल्लाह। अभी आपके सामने हमारे मेहमान जाकर जाकर मुसाफर शाम कारियल कसाए जाकर जवार हुसैन अरबी साहब अब बहावलपुर बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करेंगे। आओ बिस्मिल्लाह। दुआए इमाम ज़माना बरे हुज्जत खुदा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्ने अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात मिन सात लैल व नहार वलियं व हाफिज़ं व कायदं व नासिरं व दलीलं व ऐनं हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ाका तौअन व तुमत्तिअहु फीहा अमीन। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज्जल फ़रजा आले मोहम्मद, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, फिर भी नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली सलाम हकदा इमाम, फिर भी नारे हैदरी या अली सलाम हकदा इमाम, इन नारे का जोर का जवाब देने हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहल बैत कुल दुश्मन ते लानत। हिक्की सलवात पढ़ो ते बावाद बुलंद ते पढ़ो, अल्लाहुम्मा मैं अकीदे वाला ज़ाकिर हाँ, एक गल ज़हन ते रखनी, एक एक कदम नियाज़ है मौला अगा चाहो, एक एक कदम, क्योंकि जेडे पिछले आवन जेडे आसन आसन
जेडे तुसाइवे तुसा तो सारे इकट्ठे हो पे मेहरबानी है हौसला अफजाई की वे बहुत बड़ी मेहरबानी सलवात सलवात पढ़ो आवाज है बुलंद अल्लाहुम्मा मोहम्मद। मैं अपनी नौकरी का आगाज शुरू करें ना इजाजत है हूँ मैं अपनी नौकरी शुरू कर देव औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो सलवात इतना मेरा खुतबा क्योंकि मैं आदा भाई उस शह शुरू करा जे जे बंदे बहर खड़े में आ वजन मेरा कसीदा शुरू कसीदा ओ भाई कसीदा मैं जनाब को सुन लगा नवा जे अंदाज का मैं कसीदा लिखे मौला अली दी शान तो करीम कितना है सखी कितना है लजपाल कितना है मेरा मौला पाक अली ले सलाम दी अजमत ते दरूद पढ़ो ते आवाज़ बुलंद च पढ़ो अल्लाहुम्मा हूँ इजाजत है मैं जनाब सुनावा कसीदा एक सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा ई कसीदे विच मैं दलीलां दित्तन मुसलमाना को दलीलां सोणा होवन ता अरबी नाल बोल पौणे वरना रह जाने ते शाह जाने दलीलां सोणा होवन ता जो मौला दी शान दे विच मैं जड़ा कसीदा लिखे ओ वडे दा है अल्लाह दा कुरान कलाहे मौला अली दी है तो जग ते शाही कहंदा है अल्लाह दा कुरान कलाहे मौला अली दी है तो जग ते शाही कहंदा है अल्लाह दा कुरान रे हैदरी दी है तो जग ते शाही मैं मने ना मजमा थोड़ा है लेकिन जेड़े बच गए वे खरे ही वे मेरे वास्ते इतने काफी पहली दलील प्या देना दुआ प्या गिना कि मेरा बचड़ा हा सुनिया रस्ते तू ताजी मन हट गई अल्लाह दे घर दी कंध वाली एकदम फट गई सुनिया है रस्ते तू ताजी मन हट गई अल्लाह दे घर दी कंध वाली एकदम फट गई अम्मा अली दी जाका बे विच आई मौला अली दी है दो जग ते शाही बिस्मिल्लाह करा मौला अली दी शान च मैं कसीदा लिखे पहला शेर पढ़े 13 रजब दे हवाले नाल जो शान है अली कितनी सोहनी है दूजा शेर सुन लगा दुआ प्या गिंदा कि मेरा बचड़ा हा हाजी साहब सारे इकट्ठे करके घुमने च पाला ते मिंबर ते खड़के शेर एडा प्यारा है ना जना मेरे को जिंदगी तू ज्यादा प्यारा है मुसलमान को मैं दूजी दलील दीती है शान अली वे शेर पढ़ना चाहना कि मेरा बचड़ा हाजी साहब सारे कहते करके कौन मत पाला दे मिंबर पे करके हाजी साहब सारे कहते करके कौन मत पाला दे मिंबर पे करके इको नबी ने अपनी पग बंधवाई मौला है दो जगते शाही कुला पीले अपनी पग बंधवाई मेरे लफ्जों की समझ आनी पिए अच्छा शेर मैं पिया पढ़ना जरा हूं पिया हूं मैं शेर सुन लगा ना ये तारीख के हवाले ना ले तुसा मेरे पास तवज्जो करनी है दुआ पिया कहना इको नबी ने अपनी पग बंधवाई शेर याद है मौला अली दी दो जगते शाही अगला शेर पढ़ना चाहना कि मेरा बचड़ा हा सच्चा मैं करी वाले तारीख जज पड़े
ते याली याली दुआ प्या करे ना जड़े हाथ गवाही पे देन मेरा अल्लाह ए हाथ नजफ अशरफ मौला अली दे रोजे नाल मस वन होवे शेर एडा सुने किवें मेरा बचड़ा हा सच मैं कई वारी तारी गज पड़िया अल्लाह दा शेर जदा थे पर विच लड़िया सच मैं कई वारी तारी गज पड़िया अल्लाह दा शेर जदा थे पर विच लड़िया खालिक ने अरशा तू तलवार लहाई मौला अली दी है दो जग ते शाही जो गुजरात आलेओ जेड़ा हुन मैं मैदान शेर पढ़ लगा ना ए जितने शेर मैं पढ़न मौला अली दी शान च पढ़न ना एक शेर मैं लिखे हसनैन शरीफैन दी अजमत दा हसनैन शरीफैन करीम कितने न सखी कितने न लजपाल कितने न किवें मेरा बचड़ा हा चाहे तो कंजर कूड़े तो कर दे लाजे विच मुजरम को भी होर कर दे करा इतनी दुआ काफी है मैं मने ना दुआ मिल गई खैरात मिल गई हसनैन शरीफैन दी अजमत प्यारे से ना कि मेरा बचड़ा हा चाहे कंकर तू भी तोर कर दे दे लाजे विच मुजरम तू भी होर कर दे दे चाहे कंकर तू भी तोर कर दे दे लाजे विच मुजरम तू भी होर कर दे दे इने पुत्रा दी है ममनून खुदाई मौला क्या बात है मौला तुमको किसे दा अच्छा भी गाल है मैं मने ना क्योंकि बंदे थक वे नहीं होने ओ जेड़े त्रै त्रै घंटे जाकर पढ़ दिया तो मुंह में नहीं त्रै त्रै घंटे सुन दिया हूँ तो बंदा एक जाकर को सुन दे तो घंटा पढ़े जाकर तो थक वे नहीं ई कुछ छोड़ के भला हूँ बे कुछ सुन सुन हकीकत बात है तो हूँ मैं जनाब को कसीदा सुनाने बादशाह हुसैन दा जड़े बंदे कलमा पढ़ते हैं गल मेरी हूँ मुसलमान नाले न्याज मौला हुसैन बादशाह दी शान दा कसीदा है बादशाह हुसैन दी अजमत ते दरूद पढ़ो ते बावाज है बुलंद च पढ़ो कोशिश क्या करे ना भाई कसीदा ऐसा सुनावा जिदे विच थोड़ी जी पंजाबी मिक्स होवे लला मैं हूँ जरा ये सुने ना हिंदी विच हे पंजाबी मैं मिक्स हे इंशाल्लाह तो बड़ी समझ आ सी तू दुआ करी जो तेरी दुआ होए जिन्हां दे दिलां विच हया हे नबी दा बात है पता लग गए बिस्मिल्लाह करा बड़े प्यारे जे शेर हैं लफ्ज़ां दी समझ आंदी पे ना जिन्हां दे दिलां विच हया है नबी दा उन्हां दियां अखियां दा मंजर हुसैन उन्हां दियां अखियां दा मंजर हुसैन हुण फर्द जानी ते गौर किवें मेरा बचड़ा हा जिन्हां दे दिलां इमामत तहारत विलायत शरीयत दा जागते हे मुकद्दर हुसैन जिन्हां दे दिलां विच भाई जन पता होण लगदा बेबी थोड़े थोड़े समझदे पेन पंजाबी क्योंकि थोड़ा जा मिक्स है सराकी पंजाबी मिक्स है कौन हुसैन मंजर हुसैन है तवज्जो जगते मुकद्दर
हुसैन है बादशाह हुसैन जद मदद शेर किवें ना बचला हा ए असली असूल है इदी मां बतूल है इदी शान वेच दा हदीसे रसूल है इदी शान वेच दा हदीसे रसूल है मया पुनया शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है थोड़ा थोड़ा बोल पे फिर समझ आ गई है शेर में ओ सुन लगा जरा शेर में कुछ जिंदगी तो ज्यादा प्यारा है मिंबर हुसैन गवाए मेरा मौला हुसैन क्योंकि मैं पहले अर्ज की थी भाई जाकरी बड़ी औखी है बीबी का सोना मदा खां मौली साहब खां किबला काबा तशरीफ घिनन सोनी सोनी सलवात पढ़ो बा आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा ओ किबला ओ बिस्मिल्लाह कर मैं तो आदे इंतजार खड़ गया शान हुसैन शेर पढ़ने लगा किबला बहो शान हुसैन शेर मेरा मौला हुसैन मुसल्ले इबादत पे बैठा है तवज्जो नमाज होया गुजोर नमाज ने वाला है सलाम मेरे इमाम ने दिता है सलाम दा जवाब नमाज रुक गई तवज्जो नमाज रुक गई मेरे इमाम फरमाने नमाज मैं तेरे शान है शान सलाम दा जवाब दिता है रुक क्यों गई है मेरे पास तवज्जो करो रुक क्यों गई है नमाज दे हुसैन अगर मैं रुक गई हाँ मेरे को पहचान मैं नमाज हाँ मेरे को नबी झुक गए मैं को रसूल झुक गए मेरे माँ फिर मैं नमाज अगर तू नमाज है मत मेरे को पहचान मैं हुसैन हाँ क्या बात है मेहरबानी मैं हुसैन हाँ अगर मैं हुसैन तो पूछनी है जित मैं हाँ उत तू है जित मैं नहीं उत तू भी नहीं नमाज आ दिया ओ कि मैं हुसैन मेरे माँ फिर नमाज मेरे त्रै सवाल हैं फैसले तू च कर जाजी तू बनवाई पहला सवाल एक बेहतरीन तू बेहतरीन शहर तलाश करने है शहर अगर मैं हुसैन तो पूछनी है मदीने जिया शहर कहना तो कोई शहर नहीं नमाज़ा कर ठीक हुसैन दूजा सवाल मेरे माँ फरमाते मस्जिद नबवी नमाज़ा कर ठीक हुसैन मेरे माँ फरमाते आखिरी सवाल ते फैसला कौन सवाल त्रीजा सवाल एक बेहतरीन तू बेहतरीन नमाजी तिलाज करें ने नमाजी 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 अगर मैं हुसैन तू पूछनी है मेरे नाने मोहम्मद ज नमाजी कायनात ज कोई नमाजी नहीं क्या बात है नमाज़ा कर ठीक हुसैन हूँ मेरे माँ फरमाते फैसला मुक गया इन तू आन मैं आना तवज्जो नमाज आखिर ठीक हुसैन तुर पर नमाजी बेमिसाल नमाजी ते पहला सजदा ठीक है नाने दी कंड ते सवार यानी पुछ ते सवार पहला शेर नहीं भूलना मंजर हुसैन है मुकद्दर हुसैन है सरवर हुसैन है बंदे बदे पुछद किथा किथा अली दा नाचौ ते किथा किथा अली दा ना नाचौ दलील प्यारे ना किवें मेरा बचड़ा हा बैठा कंड ते जिस मेरे बिरा कि भी कसीदा फलाना पड़ी मैं उजा करी दी मैं पुराना जा कसीदा मैं नवे जनाब को कसीदा सुना हूं आखो तो भी कसीदा सुनावा
ਓਏ ਪੰਗਾ ਬਾਰਾ ਚੋੜਾ ਦੀ ਜਿਸ ਪੇ ਗਿਆ 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 ਬਾਰਾ ਚੋੜਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮੀ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਮਿਨ ਇੱਕ ਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮੀ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਵੀ ਊਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਰਬੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਖਲੋ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਆਂ ਦੀ ਸਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਜੋ ਬਈ ਉਹ ਉਡ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਬਈ ਉਡ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਕੋ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ ਅੱਛਾ ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਉੱਥਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਸੁਣਵੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਕੋ ਅਰਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਹਰ ਮਾਕਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਘੱਟ ਬੁਲੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੁਕੇਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਓਏ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਟੋਕਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਸੀ ਦੋ ਮਲੈਕਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬੀਆ ਹੋ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਟੋਲਾ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਲਹਾਜ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ 'ਚ ਸਲਾਮ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਲੈਕਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਲੈਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜੀ ਅਮਾਲ ਨਾਮੇ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਬਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਤੁਆ ਕੋਏ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਿਆ ਵਰਕਾ ਜਲਦੀ ਤੁਆ ਕੋਏ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਵੱਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਹੀਂ ਰੋਦੇ ਪੂਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੱਜ ਜ਼ਕਾਤ ਪੂਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾ ਇਹ ਕਮੀਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੈਨ ਬਤੂਲ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੀਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬਤ ਬਖਤ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੌਲਾ
ਮੌਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਸ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਰਬੀ ਮੈਂ ਕੁਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਸੇ ਪੜਦੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ ਤਵੱਜੋ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਰੁਕ ਗਏ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆਈ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸੋ ਲੁਤਫਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਇਸ ਅਲਮ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਦੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਦੇ ਪੂਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਵੱਡਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਸਭ ਇਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਪਛ ਗੁੱਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਏ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਸ ਬਸ ਬਈ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਾਤ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਗਵਾਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਦਵਾਰ ਅਰਬੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਐਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀ ਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁਸੈਨ ਦਲੀਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਭਾਈਆਂ ਇੱਕ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਟੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਹੇ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਲਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਵਜੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈਆਂ ਲਿਖੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਵਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਮਾਇਆ ਲਿਖੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੋ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲੇ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਮਾਇਆ ਲਿਖੀਏ ਨਾਤ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਸੇ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਝੂਲਾ
झूले दी तो हो से इंदे बाद मैं नात लिखी मैं के मेरा वीर ओ मेरा सोना भीरा सोनी जे नात लिखी तो तुसा पली भी सोनी तो तुसा आखे मदनी दा झूला झूले दी तो हो से मदनी दा झूला झूले दी तो हो से इंदे बाद मैं नात लिखी मैं के तू इंसाफ करके मुख दी मुकाचा मोहम्मद ने मोहे ते चाया के को समझ आई कहीं को नहीं आई क्योंकि सराय की जुबान है ना। बिस्मिल्लाह करा अल्लाह करे मैं समझा के ना मैं के तू इंसाफ करके मुक दी मुकाचा मोहम्मद ने शेर इंदे चारन ही को शेर पढ़ने इंदे बाद में वैन करने तवज्जो साडे सुनी भिरा हैं भिरा रसन शेर नहीं बोलना तो मस्जिद नबवी सहाबी तवे चंद कण दे नबी ने मिलाया हके को बिठाया हके को समझ लगे ना। तवज्जो साडे सुनी भिरा जो नबी साडे सुनी भिरा दे जो नबी दा थिया चार ए मिंबर हुसैन गवाह ए नातक के कुरान दा जिक्र मेरे सर ते तू चार मन सारा इतराज नहीं तू पांच मन सारा इतराज नहीं दलील देना ही दलील ते मैं लोग मोमिन कीते दलील सुनिए मस्जिद नबी सहाबी तवे चंद कण ते नबी ने मिलाया हा के को मेरा वीर तू चार मन नबी दा थिया सारा इतराज नहीं तू पांच मन सारा इतराज नहीं आ मैं तेको एक दलील देना हदीस भी आ दिए ते कुरान गवाह है अरबी ने आधा खुदा है तवज्जो तवज्जो दत्त हीर वाले चादर तले दत्त हीर वाले चादर तले तू सच सच मेहरबानी एक मसाहब का मैं शेर लिखे अगर मैं ना पढ़ा तो मेरी जिंदगी मुक भी सी क्योंकि दिल का दर्द इतना है जरा मैं हूँ सुन लगा तू चार मन सा कोई इतराज नहीं और मेरा सुनी भी रात तू सा भी रहा हमें साढ़े कट्ठे बहिया तू पुछे था तू सावत एक मने दे वे रो दे क्यों हो इो दर्द है जरा मैं दसन लगा मेरा वीर तू साढ़े तू पुछे था तुसा शिया कौम एक जो मने देवे नबी दी थी तुसा रो दे क्यों हो ते को सा दर्द दसवा असा रो दे क्यों है आ मैं ते को अपनी कौम दा दर्द दसा असा नबी दी थी एक मने ने है वत रो दे क्यों है हिका धी नबी दी आई घर वन मरो ने दिया बतूल दा पैदल चुरा मंगे दाते हक नल इन साफ मंगे दाते हक नल मुसलमान बजा रुलाया के पास इन साफ मंगे और बैल पड़ता है दिल का दर्द है जरा मैं दसे असा रोंद क्यों है बीबिया दे साजाद बिरावा
सज्जाद भीरा मैं सिद्ध के थी मन्या यजीद दरबारे हुसैन बादशाह दी धीए जिंदी उम्र थोड़ी दुख ढेर है कर छोड़ी है कर छोड़ी है कर छोड़ी तो नाला तेरा मोमिन गवाह बन वंजे गले दी रस्सी इतनी तंग कुछ बोले दिए बोल नहीं सकती मेरा कैदी इमाम आप ही कैदी भेण ही कह देना मौला सजा दे अखा विच खून भेण दे कन्ना विच खून बुले दिए कैदी इमाम झुकदा झुकदा भेण दे करीब आया है सैयदा दे भेण आखना क्या चाहनी है जालिम दा दरबारे मेरी सैन हुसैन बादशाह दे सीने दा तवीज मासूमा बीबिया दे साजाद बिरा वो मैं थक पाया नाते दुखां दा समंदर च आ गया दर्दां दा समंदर च आ गया अदनशिया रोने ना रोवा दर्द रोए ने मकतूल दियां धियां मकतूल दियां भैणा मकतूल दियां मावां चुप करके देख दियां खड़ियां कातल इनाम तो रुस दे पेन है कर छोड़ी कातल इनाम तू रुस दे पेन अली अकबर दा कातल आया है अली अकबर अली सर अली सांग इंदे हाथ चे यजीद दरबारे चे यजीद ने इनाम दिता है आदे इनाम थोड़ा है कम ढेरे यजीदा दे तू अपना कारनामा दसा ए जालिम अपना कारनामा प्यार से ने हसीन बे नमीर यजीद पास रह के ये अपना कारनामा दसा है वो अकबर दा कातला दरबार दे वेचो तेरा नौकरा अच्छा तेरा जो नौकरा हथ ना मर जवानी माने तेरा जो नौकरा इहो वैन वाचा सुना मेरा बचड़ा हुसैन दे नाते दुखां दुखां दी कहानी है दुखां दा समंदर च आ गया मौली साहब कातले नाम तू रुस दे पैन हुण ओंदा कातल आया है जड़ा जिंदा हाथ लाश दे घोड़े भज गए है कर छोड़ी मैं अकीदे वाला दा करा मैं साहब कहीं पास नहीं वेदा मैं के जड़ा जिंदा हाथ लाश दे घोड़े भज गए जनाब अमीर हसन दा
सोना बचड़ा जनाब अमीर कासिम दा कातिल आए ए अलामा अज़र अब्बास ज़ैदी साहब लाहौर वाले आगा नसीम अब्बास लाहौर वाले दे उस्तादन ए उन्हा दे अल्फाज़न मैं उन्हा दी कैसट सुनी है ओ पे फरमाने तो को पता नहीं मुसलमान हो जनाब अमीर हसन दा यतीम अमीर कासिम कितना अमीर है ओ फरमाने इतना अमीर है इतना नफीस है जो 13 साल दी जिंदगी दे विच अपने हत्थां दे नाल खाना कदा ना खादा हस मालुक में त्रोड़ त्रोड़ के देवे हा जनाबे कासिम खाना खावया उंदा कातिल आया है जदीन ने इनाम दिता है अदे इनाम थोड़ा है कम ढेरे ए जालिम अदे तू अपना कारनामा दसा जनाबे अमीर कासिम दा कातिल जदीन को अपना कारनामा दस के क्या दमला बचला जालिमा दे मैं बख्त अच्छा बानिया मजले से मेरा भीरा है अदे ई हो वैन बाचा सुना मेरा बचड़ा दर्दा नाल ई हो वैन चा सुना लाले मादे मैं कैदी कीते हवा हसन दिनो को ओ जड़ी कर दी रही फरियाद ना पेके रहे ना सावरे रहो माफी मांग के दर्दा दे किनारे ते आ गया हुण उंदा कातिल आया है जिंदे मार ते मेरिया सैनी वतन छोड़ा है कर छोड़ी जड़े गाजी दे नौकर बैठे हो मौला अब्बास ता कातिल हकीम इन तू फैलाए यजीद ने इनाम दिता है अदे इनाम थोड़ा है कम ढेरे जेदी खातर ते 9 लाख फौज इकट्ठी की थी मैं हूं कुमारा है हूं कुजीन तुलहाया है यजीद ने बिया इनाम दिता है अदे इनाम थोड़ा है कम ढेर है हुन रोमना ते मेरे पास रखे ए अदे सिर्फ गाजी ता नहीं घोले दी जीन तू लथा यजीद अदे हकीम तुफैल गाजी दे घोले दे लहण दे नाल सैदा दा बेड़ा केड़ा नुकसान थी आए ए जालिम यजीद दे पास रे क्या दे आ यजीद ते कु मैं दसा गाजी दे लहण नाल सैदा दा केड़ा वड़ा नुकसान थे जजीदा दे रसा ए जालिम देख के क्या दमला बचला थजील तू पुरका वो बीबी से नबदा वो ओ जो कजुलिया ला निशाने आपस में हो वाले खैरात मिल गई माफी मांग के न्याज मौला अच्छा तेरा नौकरा जवानी माने तेरी जवानी दी कसम वैन ओ पढ़ लगा जै वैन ते मदल सा मुख में कह सर भाई आखरी वैन पढ़ना चाहना हुन ओदा कातिल आया है जे को हर कहीं मारया है गुजरात वाले समझ गयो शिमर आया है जै दीन दा काबाटा है यजीद ने इनाम दिता है अदे इनाम थोड़ा है कम ढेर है इस आलम यजीद ने शिमर को बिया इनाम दिता है ए रुस के चल चल पिया है अदे नहीं इनाम थोड़ा है कम ढेर है यजीद अदे शिमर मैं तो सुनिया हा हुसैन ता हुवले दा मर गया हा जना अली अकबर दी लाश चाती आस
हुसैन ता हुमले दा मर गया हो सी जरा कासिम दे टुकड़े चाते होते ने हुसैन ता हुमले दा मर गया हो सी जरा फिरा अब्बास ते बादू चाते ने सिमरा दे हा मर गया हो सी यजीद दे मैं कोई ही को सवाल दा जवाब दे सिमर जरा तू करबला दे मैदान च पहुंचा हावे अकबर दे बाबे दी केड़ी हालत आई सिमर कमीना यजीद दे पासे देख के क्या दे दरूद पढ़ो हंजू साफ करके माशाल्लाह ये थे जनाब जाकर जवार हुसैन अरबी साहब जो बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र कर रहे थे। एक मलसे अजाब का ऐलान समाप्त फरमाए 23 मार्च बरोज 23 मार्च दुनी सदात खारियां जाकर सईद इकबाल हुसैन शाह बजाट अलामा सैयद मोहम्मद अब्बास रजवी साहब जाकर आलम अब्बास भट्टी जाकर अमर इफ्तार और इनके अलावा और भी दीकर जाकर ताफ़रमाएंगे।